अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी खैर से होंगे। मैं अलियान को स्कूल भेज के हुआ, अलीना को स्कूल भेज के हुआ, अभी घर को घर में हूँ मैं अभी ऑलरेडी। तो आज जुम्मा है, दुआओं में याद रखना। और कल मैंने तो मॉर्निंग 3 बजे हस्बैंड आए थे, वो लोड लेके आए थे, मतलब आज ये वाइट सीमेंट वो लोड कुछ लेके आए थे। अभी गए वो फ्रेश होके नाश्ता करके गए। उसके बाद में मैं अभी बनाने वाली हूँ बिरयानी, बिरिश्ता बना के रखी हूँ। प्याज और मिर्ची गल रहा है, टमाटो कट करके रखी हूँ। अभी किचन का हालत देखो, अभी सब समेटना है मुझे उसको। अभी मीट नहीं, मीट लेके आना, गोश्ती कल लेके आना। और मैं आज, अब्बा को शुगर है मेरे, अब्बा को शुगर के लिए मैं आज ये बनाई, थोड़ा बना के रखी हूँ क्योंकि वो खाते हैं नहीं, मुझे पता नहीं। कॉफ़ी की जुगाड़ जुगाड़ कॉफ़ी के बोतल में मेथी मेथी पीस के रखी हूँ, पीस के मतलब मिक्सी में मार के रखी हूँ उनको देने का। अभी सुबह में दी थोड़ा, उनको स्वीट खाने का बहुत बोले तो बहुत शौक है। चॉकलेट तो इतना खाते हैं, या अल्लाह, दिन में पता नहीं कितना खाते हैं वो। तो उनको याद भी रहता नहीं, याद से भी गए खाना खाए से भी याद रहता नहीं, देखना पड़ता है ना। तो वो भी हमें बचपन में बहुत अच्छे से देखे, तो अभी हमारा फर्ज है उनको देखना। क्या बोलते हैं आप लोग? किचन का हालत सब खराब हुआ है, अभी सब मुझे ठीक करना है। पहले मैं प्याज सब अच्छे से फ्राई कर लूँगी, उसके बाद में चिकन बिरयानी, चिकन दम बिरयानी। पहले सब टोमेटो प्याज का भाव सब कम हुआ है, ज़रूर बताना। आज कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं ना, सब रोना धोना हो गया, ये सब हो गया। आज थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। वो टॉपिक क्या है, सबको पसंद क्या आता है? सास बहू के झगड़े, है ना? सास बहू के झगड़े बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं लोग, कोई भी रहने दो। इसलिए कहते हैं कि अपनी दिल की बात दूसरों को कहना नहीं चाहिए। क्यों? कहने से क्या होता है? कहने से कुछ भी नहीं होता है। सामने से अच्छा ही दिखाते हैं, पीछे से हंसते हैं, इसलिए नहीं दिखाना, है ना? तो फन वाली बात क्या पता है, मैं लॉग निकाल, पहले शॉर्ट्स निकालती थी बच्चों का। शॉर्ट निकालने के बाद वो वायरल हुआ नहीं, मेरा शॉर्ट निकाली वायरल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोची भी नहीं थी कि वायरल होगा। बोलते हैं ना डेस्टिनी में क्या होता है, किसको पता चलता नहीं। वायरल हुआ, उसके बाद में मैं क्या करी, फिर मुझे यूट्यूब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा कि मुझे व्लॉग बनाना है। तो घर वालों ने सजेस्ट किया, दीदी सब सजेस्ट किया कि व्लॉग बना, तो मैंने व्लॉग बनाने को स्टार्ट किया। मज़े की बात देखो, व्लॉग बनाने को स्टार्ट किया तभी आए, इतने दिन मैं घर में थी कोई पूछने के लिए नहीं। अभी आए, क्यों व्लॉग बनाती हो, क्यों यूट्यूब चलाती हो, क्यों इंस्टा चलाती हो, क्यों फेसबुक चलाती हो? और बाप रे बाप, या अल्लाह, इतने क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगा कि वो अमिताभ बच्चन है कि मैं उधर जा गई हूँ कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए। इतने क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन, अपने पराए सब भी एक ही साथ, मैं उनको सबको अवॉइड कर, क्यों खाना नहीं डालते मुझे, है ना? खाना डालना गए तो मैं ही कुछ करना है, तो इसलिए उनके क्वेश्चन का सब मैं आंसर देना ज़रूरी नहीं समझी। आप भी ऐसा है तो आप भी ऐसे ही करो, ओके? उसके बाद में इतने क्वेश्चन पूछे, इतने उसके बाद में मैं थोड़ा कॉमेडी वीडियोस शॉर्ट डालने को स्टार्ट किया। तो उधर भी आप ऐसे बात कर, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ या मैं कोई आलिमा हूँ, मैं सीधी सारी एक आम सी लड़की हूँ। सॉरी, आप बोलेंगे लड़की हूँ लड़की हूँ, आपके 3 बच्चे, आप तो आंटी हो। हाँ, जो कुछ आप सोचें, जिसकी सोच है ना समझदार, खुश रहे काफ़ी है। तो मैं थोड़े थोड़े लोग परेशान रहते हैं, थोड़ा उनको स्माइल स्माइल करना कराना भी अच्छी बात है ना, स्माइल भी अच्छा है, हंसा भी अच्छा है लाइफ में। तो मैं शॉर्ट वीडियो निकालने को स्टार्ट करी, वो भी प्रॉब्लम, उसमें भी क्वेश्चन 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 मार्क, उनको भी मैं साइड में रखी, है ना? और मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे देवन से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मैं अभी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, और दिल से शुक्रिया उनका, जजाकल्ला खैर। इतना तक पहुँचा, इंशाल्लाह आगे भी पहुँचाएंगे, ज़रूर पहुँचाएंगे।
मुझे बहुत उम्मीद है सबसे पहले। और कुछ लोग कहते हैं क्या बहन इंस्टा में फेसबुक में यूट्यूब में आके रोना धो रही हो। मैं कुछ भी रोना नहीं दी, जो फैक्ट है वो बोली, मैं नेचुरल बोली, मैं जो हूँ वो हूँ। मैं दिखावा नहीं करती कि मेरे पास ये है मेरे पास वो है, जो है बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। क्यों, पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए खाना है, रहने के लिए छत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बात कटकती है कि दूसरों का मोहताज होकर रहना अच्छी बात नहीं है, बहुत कटक है। क्या पता वो भी अल्लाह की मर्जी हो, है ना। इससे आगे क्या पता कुछ अच्छा होने वाला है कुछ, मैं सिक्स सेंस बोल रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह, होगा ज़रूर होगा। भरोसा है, भरोसा नहीं, यकीन है अल्लाह पर मुझे, कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और एक बात, जो मुसीबत में हमारा साथ देते हैं उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, ये मैं बचपन से सीखी हूँ। अभी फिर ये बोलने को स्टार्ट करें, इतना ही नहीं बाद वो फिर ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे कि आप घर के बातें दुनिया को सुनाती हो, वो ऐसे करते हो, चाड़ी चुगली करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। जो कहते हैं वो कितने अच्छे हैं, क्या वो उनके सास का ख्याल रखते हैं, क्या उनकी सास की खिदमत करते हैं। जो मुझे बोल रहे हैं, मुझे अंग्रेजी कर रहे हैं, सब लोग नहीं, जो लोग शायद उनको पता लग गया होगा मैं किसको बोल रही हूँ। और एक बात मैं बोली हूँ पहले भी, जो मैं बोलती हूँ सारे दुनिया देखते है ना, इसलिए दूसरों को बोलना छोड़े। अगर चाड़ी चुगली किसे कहते हैं, मैं कहते हैं पता है, जो आप दो लोगों को बोलते हैं वो दो लोग फिर दो लोगों को बोलते हैं, उसे कहते हैं चाड़ी चुगली। और जो ओपनली सबको सुनाते हैं उसे चाड़ी चुगली कहते हैं, आपको इतना तो पता होना चाहिए ना। और एक बात दीन की, और एक बात, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में हूँ, मुझे पता है दीन के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है इस्लाम के बारे में, मैं वो दायरे में ही हूँ। ओके, अपने अब्बू अम्मी का ख्याल रखें, और आप भी कुछ कर रहे होंगे अपने फैमिली के लिए, है ना। इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल हो, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए लॉग के साथ या नए टॉपिक के साथ, तब तक दुआओं में याद रखना। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।